दोस्तों, जंगल में रहने वाले हर जीव का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी उपस्थिति या मौजूदगी पर्यावरण और जंगल के वातावरण को संतुलित रखने में मदद करता है और इन्हीं जीवों की वजह से जंगल और हमारे वातावरण में एक अलग सी मन को आनंदित करने वाली खूबसूरती रहती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जंगलों के अंदर कई तरह के जीव पाए जाते हैं जो दिखने में सुंदर या फिर दिखने में बकसूरत लगते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही जीव के बारे में बात करेंगे जो दिखने में भले ही सुंदर नहीं हो, परंतु जंगलों की सफाई में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसका नाम गिद्ध है। इसे हम एक प्रकार से जंगल का सफाई कर्मचारी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रेट एनवायरनमेंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गिद्ध शिकारी पक्षियों के अंतर्गत गिने जाने वाले मुर्दाखोर पक्षी है। इनकी देखने की क्षमता तेज होती है। शिकारी पक्षियों की तरह इनकी चोंच भी टेढ़ी होती है, लेकिन इनके पंजे और नाखून उनके जैसे तेज और मजबूत नहीं होते हैं। ये झुंडों में रहने वाले मुर्दाखोर पक्षी है जिनसे कोई भी गंदी और घिनौनी चीज खाने से नहीं बचती। गिद्ध मरे हुए जीवों को खाकर उनसे होने वाली बीमारियों को होने से बचाता है। ये किसी ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं जिसमें मादा एक या दो सफेद अंडे देती है। दोस्तों, भले ही हमें ये पक्षी दिखने में सुंदर ना लगे, परंतु इसका हमारे पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान है। ये मरे हुए जीवों को खाकर उनसे फैलने वाली बीमारियों को रोकता है, जो हमारे पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। परंतु दोस्तों, मनुष्य के कुछ कारणों की वजह से इन पक्षियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, जो हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनकी संख्या की कमी के कारण बीमारियां बढ़ते जा रही है। इनकी संख्या की गिरावट का कारण पशु में यूज होने वाली दवाई डार्क क्लोरोफिनक है, जो पशुओं के जोड़ों के दर्द को मिटाने में मदद करती है। जब दवाई खाया हुआ पशु मर जाता है और उसके मरने से थोड़ा पहले ये दवाई दी गई हो और उसे गिद्ध खाता है, तो उसके गुर्दे बंद हो जाते हैं और वह मर जाता है। परंतु अब एक नई दवाई मेलोस्कम आ गई है। इससे गिद्धों को कोई नुकसान नहीं है। जब इसका उत्पादन बढ़ेगा तो पशु पालक इसका इस्तेमाल करेंगे और शायद गिद्ध की तेजी से घटती संख्या कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हाँ, आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल ग्रेट एनवायरनमेंट को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन करें। धन्यवाद।